मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश के चलते आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया जनता के मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रीवा में भी गरीबों के घर में पानी घुस रहा है। खाने पीने के साथ कई बड़ी समस्याएं हो रही हैं। रीवा जिले के देवास कोलार टोला में कई ग्रामीणों के घर में बारिश की वजह से पानी घुस रहा है। कई बार सरपंच सेक्रेटरी से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते ग्रामीण पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। यहाँ तक कि कहीं आने जाने में भी समस्या हो रही है। भाजपा सरकार के होते हुए भी नाली और रोड की कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते ग्रामीण कई समस्याएं झेल रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको गांव की बदहाली। पार करके पार देर से देख रहा हूं, कुछ ये नंबर निकला ना हो तो है ना। इधर दिखाइए, इधर सामने दिखाइए, और तो बना ले रोड आदमी। हाँ, ये यहाँ पे रोड नहीं है, सब पानी में डूब गई है। आदमियों को भारी